आज घर पे कन्या पूजन है तो हम कन्या पूजन की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं प्रसाद से शुरू करूँगी। तो मैंने सूजी ली हुई है, इसमें मैं सौंफ डाल के दूध ऐड करूँगी। दूध मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है सूजी के हिसाब से, और चीनी डाल लूँगी। चीनी यहाँ पे मैं अपने हिसाब से डाल लूँगी, मीठा कम पसंद है हमें यहाँ पे, तो हम मीठा कम डालेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे घी को पिघला के रखा हुआ है, इसे भी डाल लेंगे। यहाँ पे मैंने घी भी डाल लिया है। अब देखिए, दही ले लेंगे, थोड़ा सा दही डाल के, जो ये इसका हमारा सूजी का पेस्ट बनेगा बहुत अच्छा बनेगा, सॉफ्ट सॉफ्ट। हमारे यहाँ पे सोए सूजी के जो पोहे और सिंगल होते हैं वो बनेंगे। अब इन्हें अच्छे से हम मिला लेंगे, फेंट लेंगे। तो इन्हें फेंट लिया है यहाँ पे। अब फेंटने के बाद इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तेल गरम करने को रखा हुआ है, थोड़ा सा पहले हम अग्नि देवता के लिए यहाँ पे बना के चढ़ा देंगे। तो अब हमने अग्नि देवता के लिए यहाँ पे बना के चढ़ा दिया है देवता को। प्रसाद उत्साह बनाने से पहले अग्नि देवता को जरूर चढ़ाना चाहिए बना के। तो पहले हम पूरी बना लेंगे। देखिए, हमारे यहाँ पे प्रसाद तो बन के तैयार हो गया है, सिंगल और पूरी बना के यहाँ पे तैयार हो गए हैं। अब देख, कुकर पे हम यहाँ पे तेल रखा हुआ है, इस पे जीरा डाल लेंगे और थोड़े खड़े मसाले, कड़ी पत्ता। ये सब डाल लेंगे। टमाटर ले लेंगे, आजकल तो व्रत का ही दिन है तो हम यहाँ पे लहसुन प्याज ले लेंगे। टमाटर की वाले चने बनाएंगे, इसमें सारे मसाले हम यहाँ पे ऐड करेंगे। हल्दी, नमक, धनिया पाउडर भी डालेंगे। मैंने थोड़ा सा हमने छोले मसाला लिया हुआ है यहाँ पे, छोले मसाला डाल लिया हमने। अब सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो हमारे यहाँ पे टमाटर पक गए हैं, थोड़ा सा अदरक डाल लेंगे स्वाद के लिए। अब हमने जो चने भिगो के रखे हुए हैं रात से, उन्हें डाल लेंगे और थोड़े बॉईल करके, हमने बॉईल तो नहीं, कच्चे आलू हैं तो उन्हें डाल लिया हमने। और पानी डाल लेंगे, आलू हमने इन्हें गाढ़ा करने के लिए डाला हुआ है। हमने पानी डाल लिया है और थोड़ा सा हम सोडा डाल लेंगे यहाँ पे। देखिए, चने तो हमने रख दिया, रायता हमने यहाँ पे खीरा लिया हुआ है। थोड़ा खीरा कम था घर पे तो मैंने नारियल ले लिया यहाँ पे। नारियल डाल के खीरे का जो स्वाद है इसमें रायते का, बहुत अच्छा हो जाता है। और नमक, हल्दी, थोड़ी सी मिर्च पाउडर भी डाल लेंगे और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल लेंगे। हल्के हल्के मसाले डालेंगे, मिर्ची पसंद नहीं है बच्चों को तो मिर्ची हमने थोड़ा यहाँ पे कम डाली हुई है। और देखिए, यहाँ पे प्रसादी बनाने को रखी हुई है हमने हलवा। हलवा भी हमारे यहाँ पे बन के तैयार हो गया है, पूरी बना लेंगे जल्दी से। जल्दी जल्दी हम यहाँ पे पूरियाँ बेल के फटाफट से बना लेंगे। तो चने भी हमारे यहाँ पे बन के तैयार हो गए हैं, तो कन्याएं आ गई हैं यहाँ पे। तो
कन्याओं के यहाँ पे सासू माँ मेरी पैर धुलवाएंगी। तो सारी कन्याओं के पैर धुल गए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इनको टीका लगाएंगे। कन्याओं को टीका लगा के हमने यहाँ पे रुमाल दे दिया है। तो आज दशहरा है तो हम हरेला भी बच्चों के सिर में रखेंगे, कन्याओं के सिर पे। कितने प्यारे बच्चे लग रहे हैं सारे यहाँ पे कन्याएं। कन्याओं की यहाँ पे आरती करेंगे अब सासू माँ। अब देखिए आती खाने के बारी, बच्चों को यहाँ पे खाना दे दिया है। तो कन्याएं यहाँ पे खाना खा रही हैं। तो देखिए यहाँ पे अब बच्चों को थोड़े से हम भेड़ देंगे।